हेलो दोस्तों, रंभा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज पास्ता। बनाने के लिए एक बाउल लेंगे, इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। और गैस ऑन कर देंगे, पानी को थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच तेल और पानी को बॉयल होने देंगे। दोस्तों ये ले लिया है पास्ता और पानी को गर्म होने देते हैं, इसके बाद पास्ता डालेंगे। दोस्तों पानी उबल चुके हैं, मैं इसमें डाल दूंगी पास्ते। पास्ते को चला दूंगी। पास्ते उबालने में कम से कम 5 से 10 मिनट टाइम लगेंगे। दोस्तों हमारे पास्ता उबल रहे हैं, अभी 5 से 10 मिनट लगेंगे पास्ता पकने में, तब मैं चेक करूंगी। देखो दोस्तों हमारे पास्ता पक रहे हैं, हम उसको चेक करेंगे कि पक गए कि नहीं पक गए। एक पास्ता निकाल के, उसको थोड़ा सा चख के देखेंगे। दोस्तों हमारे पास्ता पक चुके हैं, अब इसको मैं छान के एक कोने में कर लूंगी। और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। पास्ता पकने में कम से कम 10 मिनट लग गए। पास्ता पूरी तरह पक चुके हैं और मैं छान के एक कोने में रख ली हूँ। आप देख लीजिए पास्ता हमारे पक चुके हैं। अब एक कढ़ाई लेके उसको गर्म करेंगे। दोस्तों हमारे कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा हीट होने देंगे। तेल हीट हो गए, अब इसमें 4-5 दाने काली मिर्च के डालेंगे, 2 तेज पात डालेंगे, 4-5 लौंग जाएंगे इसमें, 1 थोड़ा सा इसको पकने देंगे। अब इसमें हम गार्लिक डालेंगे, थोड़ा सा उसको पकने देंगे। गैस को फ्लेम हाई रखिए, इसको लो पर नहीं भूनना है, हाई फ्लेम पर भूनना है। हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें मैं 1 प्याज डाल दूंगी। थोड़ी सी शिमला मिर्ची डाल दूंगी। आपको जो सब्जी पसंद है आप डालिएगा, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, इसके जगह आप पीला मिर्ची डाल सकते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे, गैस को फ्लेम हाई रखेंगे। इसमें थोड़ी नमक डाल देंगे। एक चम्मच नमक, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना। इसको भूनते रहेंगे।
आप इस तरह से पास्ता एक बार बना के जरूर खाना और मुझे बताना कि ये पास्ता कैसे लगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक डाल दी हूँ मैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ मैं। इसको चलाते हुए भूनेंगे। आप इसमें पीला वाला शिमला मिर्ची डाल सकते हैं। इसको सब्जी को भूनते हुए 1 मिनट पकाएंगे। हमको पूरा सब्जी नहीं पकाना है, आधी सब्जी पक जाए। आज मैं इस पास्ता में मैदा नहीं डालूंगी, कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल के बनाऊंगी। आप देखते जाइए कैसे बनाती हूँ। ये थोड़ा सब्जी पक गए, अब इसमें मैं दूध डाल दूंगी। दूध डाल दिए, थोड़ा सा और डाल दूंगी। अब दूध डाल के इसके बाद 50 ग्राम चीज डालेंगे। दूध डालने के बाद 50 ग्राम चीज डालेंगे। ज्यादा हमको नहीं पकाना है, थोड़ा सा पकाना है। चीज खोल लेती हूँ। मैंने ये पिज्जा वाला चीज नहीं यूज की हूँ, ये मजरेला चीज है। आप पिज्जा वाले चीज भी ले सकते हैं 50 ग्राम। ये 50 ग्राम मैं चीज डाल दूंगी, दोनों को पकने दूंगी थोड़ा सा। थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे। ज़्यादा हमको नहीं पकाना है, चीज गल जाए, मेल्ट हो जाए, उतना देर ही पकाना है इसको। आप एक बार इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करके मेरे को बताना कमेंट करके कि चीज पास्ता कैसे बने हैं। अभी थोड़ा सा पक गए हैं, गाढ़ी हो गए हैं, चीज मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें जो मैं पास्ता उबाल के रखी हूँ वो डाल देंगे। मैं इसे मैदा नहीं डालूंगी। मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पाउडर ली हूँ, 2 चम्मच दूध डाल के इसको मिक्स कर लूंगी। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर के पाउडर और दूध डाल के मिक्स कर लेंगे इसको गाढ़ापन लाने के लिए पास्ता को। मैदा वाला पास्ता नहीं बना रही हूँ, अगले बार मैं जब बनाऊंगी एक बार मैदा वाला भी डालूंगी। ये कॉर्नफ्लोर और दूध को मिक्स करके मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा देर पकने दूंगी। दोस्तों देखो हमारे पास्ता कितने लजीज बन रहे हैं। 2 मिनट के बाद ही पास्ता हमारे बन के तैयार हो गया, चीज पास्ता। एक बार इस तरह के पास्ता जरूर बना के ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताना कि पास्ता कैसे बने हैं, चीज पास्ता। दोस्तों ये फटाफट रेसिपी बन जाएगा आपको,
दो मिनट पकने के बाद पास्ता हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक बाउल में निकालूंगी और सर्व करूंगी। दोस्तों हमारे पास्ता रेडी हो चुके हैं, अब इस एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लूंगी। हमारे पास्ता रेडी हो चुके हैं, आप देखिए कितने अच्छा पास्ता बन के तैयार हो गए हैं, चीज़ पास्ता। आप इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए हमारे पास्ता रेडी हो चुके हैं, आप खा के टेस्ट करके मेरे को बताना कमेंट करके कि मेरा पास्ता कैसे बने हैं। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद।